चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तरफ सब पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस अगर मेरी आवाज सुनते चले सर, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम बैक टू स्टडी सर। पेपरों के बाद कैसा टाइम गुजरा? नहीं, एक मिनट सोच तो ना यार, काफी इंजॉय किया आप लोगों को। नहीं, रिलैक्स कर लिया ना पेपर से बात? अरे पेपर से बात रिलैक्स कर लिया सर, पढ़ाई स्टार्ट कर लें सर। फिर हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? चलिए चलिए, इससे पहले कि हम कोई सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करें, चंद एक बातें आप लोग मेरे से ज़्यादा भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं लेकिन उन्हें दोबारा कंसिडर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से, यकीन आप लोगों ने एडमिशन तो ले ली होगा, तीन पेपर्स का भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब कौन से तीन पेपर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि बीच में आई कैप वो जो ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन थी वो भी आपको पता चल गया होगा। तो मेरी सजेशन बस ये है कि एक या दो दिन से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में आप दोबारा नहीं लगाने, जब तीसरा कौन सा लेना है या उसको छोड़ के कौन सा लेना है, तो ये फाइनल डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल लेना है। ठीक है, पहली बात क्लियर? या ले चुके आप लोग? जी ले चुके ना। सेकंड, इसके बाद तीन पेपर्स लेना भी शायद अब कंपलसरी है, लेकिन उसमें अपियर कितने में होना है, तीसरा के भी आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए आप एक या दो दिन जरा दे दीजिएगा, फिर मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूँगा कि ये तीन पेपर्स की रिस्ट्रिक्शन आपके जहन में। क्वेश्चन ये भी है कि अगर तीन पेपर्स पढ़ रहे हैं या उसको अटेम्प्ट भी करना है, किसी में एबसेंट भी हुआ जा सकता है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अभी आईकैट की तरफ से क्लियर नहीं है, तो ये फिर मेरे पे ही रखिएगा। मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में कोशिश करूंगा कि ये बात भी आपको क्लियर हो जाए, ताकि उस हवाले से आप अपना प्लान करें। लास्टली, इससे पहले कि मैं कोई और इस अपनी क्लास के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करूं, हमारी इस क्लास में मेरा ख्याल ये है कि पांच तरह की ऑडियंस मौजूद है। ये वाली बात ज़रा मेरी सही तरह सुनिएगा। नंबर वन, इसमें कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने शायद FA2 भी पढ़ लिया है और वो कॉस पर्ड है। कोई ऐसे हजरात हैं? मैंने कहना कुछ नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। नंबर टू, आप में से कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने FA1 पढ़ के पेपर भी दे दिया है और अब वो कॉस्ट में है। मेरा ख्याल है इस तरह के लोग कंपेरेटिवली ज्यादा होंगे। सर ये है सर? नहीं, चाहे मुझे ना बताएं लेकिन आपको पता है। थर्डली, कुछ ऐसे हजरात होंगे जिन्होंने इंट्रो पढ़ी और पेपर भी दिए, आई कैप हॉल तक वो पहुंच गए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो इस कोर्स की क्लास में है। ठीक है, कोई ऐसा? ये बहुत कम लोग होंगे जो मैंने अगली बात बीच में ऐड की, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एग्जम्प्ट हो गया। नंबर फोर, इसमें कुछ हजार ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंट्रो पढ़नी शुरू की, वो अच्छा भला पढ़ रहे थे और जुलाई में अचानक उनकी एग्जाम हो गई और हो गई थी। नहीं, ये भी बहुत सारे जवाब। तो इन चार जो कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, नंबर एक जिन्होंने FA2 के बाद पढ़ रहे हैं, नंबर टू जो FA1 का पेपर देने के बाद पढ़ रहे हैं, इंट्रो का पेपर देने के बाद पढ़ रहे हैं, या इवन इंट्रो को रीजनेबल जुलाई तक पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, इनका तो अलहमदिल्ला कोई इतना इशू नहीं है। एक फोर्थ कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड है अपने, वो ये है कि जो AFC के बाद पढ़ रहे हैं, मीन्स उसे जिन्होंने अकाउंटिंग शायद जिंदगी में कभी पहले पढ़ी भी नहीं, और अगर पढ़ी भी है तो CA से रिलेटेड नहीं पढ़ी। ऐसे भी हजरात हैं जिन्होंने AFC का पेपर अभी दिए, या कोई ऐसा नहीं? ये पहले हजरात मुझे बता दें ये कितने, यानी कुछ ना कुछ समझ मेरी, ये लास्ट कैटेगरी समझ गया मैं किसे कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली AFC पढ़ा और जिन्होंने फिर इंट्रो और FA1 भी इकट्ठा ही पढ़ना। ये जो लास्ट कैटेगरी है, आप लोगों से बड़ा खास तौर पर एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का सीरियसनेस लेवल बाकी सब से कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए।
अब देखिए, इस वक्त जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें कुछ सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। जो हो गया है वो हो गया है, हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं वो फंस गए हैं। अब इसमें हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो मेरे बस में है, जो मेरी एबिलिटीज में है, मैं इंशाल्लाह पूरी इसकी कोशिश करूंगा। आपसे भी ये रिक्वायर्ड, अच्छा मैं डेफिनेटली 5वीं के बाद ही बात कर रहा हूँ, लेकिन डजेंटली मीन्स के बाकी सब मैं मुखातिब नहीं। यकीनन जो हजरात तरह कुछ पुराने हैं, उन्हें शायद ये पता चल गया होगा कि कॉस के सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स कम हो गए हैं, लेकिन वो चाहे जितने मर्जी कम हो जाए, जरा 1 सेकंड के लिए एग्जाम हॉल जहन में लाए, वहाँ की डायनेमिक्स ही और। अगर आईकैप पेपर बनाएगा तो अगर वो सिंपल 2 + 2 = 2 का भी आंसर पूछेगा, तो 1 मिनट के लिए बंदा रुक के सोचता जरूर है कि ये क्या मैं सही देख रहा हूँ या नहीं, और इसी टेंशन में समटाइम उसकी बजाय वो हो जाता है। तो एग्जाम हॉल के डायनेमिक्स बिल्कुल अपनी जगह है। मतलब मेरी इस बात का हरगिज नहीं है कि जो लोग पहले कुछ रीजनेबली अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में ये कॉस्ट पढ़ेंगे। सब लोग इक्वल एफर्ट करेंगे, और वो एफर्ट का मैं तरीका भी बताऊंगा आपके साथ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन खास तौर पे वो हजरात जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, उन हजरात ने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, ठीक है? और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, पहले मैं उनको बता दूं जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे ख्याल में नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 1, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग इन टाइम क्लास पे आए। आपको पता है भाई, लेकिन मैंने लेट शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग टाइम पे थे, लेकिन मैंने जानबूझ कर जरा लेट इसलिए स्टार्ट किया कि जरा सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप क्लास में लेट आए। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास, एक दफा अपने आप को ऊंची बातों में बता दूं। डेफिनेटली 4-5 मिनट में लेट इसलिए स्टार्ट किया करूंगा ताकि सब लोग हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने जहन में ये रखते हैं कि क्योंकि मैंने 8:05 पे 8:05 मिनट क्लास शुरू करनी है, तो देर फॉर अब आप कितने बजे इकट्ठे होंगे, 8:10। हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट हम लेट आते हैं। तो आपने प्लीज अपने जहन में क्या रखना है, 8 बजे जहन में रखना है। बाकी अगर प्लस माइनस कभी हो तो वो मेरी तरफ से होना चाहिए। अच्छा, मैंने प्लस भी कहा और माइनस भी कहा, ये माइनस किसी को समझ आया? ये इंशाल्लाह आपको उस दिन बाद पता चल जाएगा। नंबर 2, तो पहली चीज कैंडी क्या जहन में रखनी है कि आपने प्लीज क्लास में टाइम पे आना है। अब ये बात मैंने जो की है, मेरा ख्याल इस पर एक आध मिनट और लगाऊ, ये आपको लगा होगा एक फॉर्मल सी मैंने बात की, लेकिन हमारी क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज यही बनना है कि आपसे टाइम पे नहीं आया जाना। ये पहली दफा आप क्लासेस नहीं पढ़ना शुरू कर रहे, ये क्लास चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, हम अक्सर लेट होते हैं। और सुबह वाली क्लास में तो हिस्टोरिकली अगर हम कहें तकरीबन 10-15-20 साल शायद हो गए होंगे, ये पहली जो क्लास है इसने तो हाईली डिस्टर्ब होना ही होना। और खास तौर पे जैसे ही मौसम थोड़ा सा, जैसा आज भी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाना है, तो हमने घर में ही फ्रीज हो जाना। और तीसरी बात जो अचानक आपके जहन में आया करनी क्लास में आते हुए रास्ते में, कि यार रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल तो हैं, तो आपने फौरन क्या आप चीज अपने जहन में लानी है कि मैंने लड़ 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 के, लड़ 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 के 2 दफा मैंने कह दी, बल्कि 6 दफा हो गए, फिजिकल क्लास में एडमिशन लिया है। जिन हजरात ने डेफिनेटली ऑनलाइन लिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, अपने रिकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन नहीं लिया। रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी वजह से कोई मजबूरी हो जाए और आप क्लास ना अटेंड कर पाए तो आप उसको कंपनसेट कर सकें। ये जो मैंने 2 बातें की हैं, जो टाइम की और नंबर 2 ये रिकॉर्डिंग वाली, ये मैं इसलिए खास तौर पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि पिछले जब से ये रिकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आहिस्ता 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 ये बच्चे रिकॉर्डिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल वाले हों, इवन चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हों या ऑनलाइन वाले हों। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए, तो ये कभी भी पर्पज अचीवेबल ही नहीं है। मेरी बातें याद रहेंगी, काइंडली रिपीट कर देंगे कौन सी 2 होगी जी। नंबर 1 सर, काइंडली ऑन टाइम, एंड सेकेंडली रिकॉर्डिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज जस्ट फॉर अ पर्पज ऑफ रिवीजन, कह आप ये जेम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में अगर बात पूरी 100% नहीं क्लियर हो सकी या थोड़ा सा लेट आने जाने की वजह से कुछ रह गया, तो सिर्फ आपने अपना कवर करने के लिए या कोई पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डिंग की तरफ जाना, प्लीज याद रहेगा, प्लीज याद रहेगा सर सबको। नंबर 3 सर, कभी भी अनड्यू छुट्टी ना हो। आज जिस तरह माशाल्लाह आपने एफर्ट की है आने की, ये कंसिस्टेंटली एफर्ट कब तक रिक्वायर्ड है? जिस दिन मैं ना कह दूंगा आज आखिरी क्लास है, जिस दिन मैं ना कह दूं कि आज आखिरी क्लास है, अब मैं कब कहूंगा कि आखिरी क्लास है?
जिस दिन मैं थक जाऊंगा। अब मैं कब थक जाऊंगा, अब इसकी दुआ आपने नहीं करनी, अल्लाह करे मैं ना थकूं। ये हम मिनिमम पढ़ सकेंगे जो हम इस टाइम पीरियड में, आज अगर 4 अक्टूबर है तो जब तक भी ये सेशन चलेगा इसमें हम मैक्सिमम नहीं पढ़ रहे। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। आपके दिन में यकीनन बात आ सकती है हम मैक्सिमम क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारा टाइम लिमिटेशन है, आईकैप का सिलेबस जितना ज़्यादा है हम मैक्सिमम जा ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम नहीं पढ़ रहे, हम मिनिमम पढ़ रहे होंगे, इवन के हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख रहे हों, ये बात क्लियरली याद रहेगी। हम जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ पा रहे हैं। आईकैप का पेपर काइंडली प्लीज जहन में लाया करें, एग्जाम हॉल जहन में लाएं, हम जो मर्जी कर रहे हैं हमें पासिंग मार्क्स तक पहुंचना, ये बात क्लियरली समझ आ रही मेरी। हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे तो पास होंगे, ये 100% मार्क्स आ रहे हैं। आपका क्या हाल? 100% पास रिक्वायर्ड भी नहीं है और वो अनअचीवेबल टारगेट है। आईकैप पेपर ऐसे सेट करता है कि जिन लोगों ने 100% एफर्ट की है वो पासिंग मार्क्स ले सकें, तो ये जस्ट पासिंग मार्क्स के एंगल से हमारी तैयारी है। तो कौन सी तीन चीजें होंगी, तीसरी बोल देना कौन सी? नहीं, पासिंग मार्क्स नहीं है। अच्छा, पासिंग मार्क्स वाली बात नहीं, गलत रखना चलिए। ये पासिंग मार्क्स आएंगे कब? जब हम 50% पढ़ेंगे। यार सीधी सी बात हो, बैठ क्या हो गए? अगर हम 50% पढ़ेंगे मेरे भाइयों तो फिर 25 ही आने, तो मुश्किल पासिंग मार्क्स तक कब हम पहुंच सकेंगे, सॉरी, जब हम 100% एफर्ट। तो नंबर वन सर प्लीज कम ऑन टाइम, नंबर टू बताएं फिजिकल क्लास में अगर आप हैं, लाइव क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास में हैं, जहां भी हैं, जिसमें आपने एडमिशन करवाया, काइंडली इसको डेली बेसिस पे सीरियस लें, टाइम पे आए थ्रू आउट द क्लास, अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखें। आइडियल ये होगा कि कम से कम क्लास के दौरान तो मोबाइल की तरफ बार बार ध्यान ना जाए, सवाए उन बच्चों के जो ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे दे रहे हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर, आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया है, दो तीन बातें मेरी आपको याद रहेंगी। क्लियर है सर? चलिए सर, अब रजिस्टर खोलो। रजिस्टर तो है ना, जी बेटा। उसके बाद बुक्स के वाले से चंद क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, ये मैं बाद में क्लियर कर दूं, ऐसी इन चीजों में परेशान नहीं आप रहना। बुक्स के वाले से, बुक्स आपको कौन सी चाहिए, कब चाहिए, ये आप काइंडली अपना इशू ना बनाए, आपको बताऊंगा, खुद बताऊंगा, बल्कि शायद इंशाल्लाह बुक आपको वैसे प्रोवाइड भी करूंगा, तो इन चक्रों में भी आपने नहीं पढ़ना, ये आपका इश्यू नहीं है। आपने रेगुलरिटी से बस क्लासेस में आना है, मेरी चंद गुजारिश सुननी है, इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात ही नहीं। एक दो दिन वैसे ही हमेशा सेटल डाउन होने में लगेंगे, आप लोगों ने सब्जेक्ट्स भी फाइनलाइज करने हैं, तो मैं इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट अब डेफिनेटली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, माशाल्लाह आ गए, लेकिन इनिशियल डिस्कशन से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, जो हजरात FA2 से बात पढ़ रहे हैं, ये FA1 से बात पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस की वजह से शायद एक या दो दिन कंपेरेटिवली महसूस करें कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर पढ़ी भी हुई हैं तो काइंडली सही रिवाइज कर लें, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, काइंडली ये एटीट्यूड पहले दिन से ही ना बना लीजिए। ठीक है, सब लोग हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, मैं बात कर ही इसलिए रहा हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रहेगा। सबको क्लियर है जी मेरा मैसेज? तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखें, सब्जेक्ट का नाम बता दूँगा। ये जो हजरात कैंडी उस तरफ हजरा चले गए, मेरा ख्याल वैसे भी लाइट शाइट कम है, इधर आ जाए आप, वो जो एंड में बैठे हजरात या इस तरफ आ जाए या आगे भी आ जाए। और जो हजरात पहले दिन लेट ही आ रहे हैं, ये तो यार बड़ी वैसे जाती है, कम से कम एक आध दिन की मोटिवेशन तो होनी चाहिए। ये जो लास्ट टाइम बैठे आ जाए, मेरा ख्याल इस तरफ ज्यादा दूर हो जाए, तो आखिरी लाइन्स में बैठे हैं आप, इवन आप इधर बैठे हैं, अगर इस तरफ आना चाहें थोड़ा सा आगे की जगह, बल्कि अगर सामने दरमियान में जगह खाली है तो वहाँ जो लास्ट टाइम में बैठा है, या कंफर्टेबल नजर आ रहा? ये सारी कॉस्ट में मैनेजमेंट अकाउंट,
सबसे पहले बेटा बेसिकली बिल्कुल बेसिक्स में जरा जाए, जब भी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं तो प्राइमरीली वी मीन्स टू से कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेसेस दो तरह के होते हैं जो आपके सिलेबस में, एक इनिशियली डिस्कशन लिखा हुआ लेकिन इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है वगैरह है, बहुत कुछ और होता है, लेकिन आपके सिलेबस से रेलिवेंट इनिशियली आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर एक कुछ ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, नंबर टू कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे ज्यादा मेरे लिए कंसर्न स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जिन स्टूडेंट्स का मुझे इस वक्त कंसर्न है पहले वीक में, वो हजरात है जिन्होंने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। तो आप लोगों ने बड़ा बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली आई होप वैसे कि आप कॉस्ट के साथ कम अज कम एफ ए वन भी पढ़ रहे हैं, ये तो है ना। तो कुछ चीज़ें अगर यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद हम यहाँ वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर कहीं महसूस आपको हो कि यहाँ कोई एडवांस बात हो गई है तो वो वहाँ इंशाल्लाह एक हफ्ता आपको स्पेंड भी कर देना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसी में हमें इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करना है। और मेरे ख्याल में मैंने बड़ा सोचा ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, डेफिनेटली मुश्किल होगा आप लोगों के लिए लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल इम्पॉसिबल, ठीक है। तो टेंशन इज नॉट द सोल्यूशन, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज मेक अ फुल एफर्ट। डन सर, डन सर जी। जैसे कि ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के पहले चाहते हैं कि एग्जाम्पल्स का इंडिकेट हो जाए। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जो चीज़ें खरीद के बेचता है, तो सबसे आसान सी एग्जाम्पल मोबाइल आप परचेज करते हैं किसी शॉप से, तो मोबाइल परचेज करते हैं आप जिस शॉप से, उस शॉप को जेन में लाए, वो शॉप वाला क्या कर रहा है? नहीं ट्रेडिंग तो नहीं वो कर रहा, वो कर क्या रहा है? वो तो मैं बताऊंगा वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, उसने क्या खरीद के क्या बेच रहा है? मोबाइल खरीदता है, मोबाइल बेचता है। अगर आप चीजें खरीद के बेच रहे हैं तो वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर कहलाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस। शायद टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई रिटेलर और बड़ा कुछ और पढ़ा हो, लेकिन जो पर्सन चीजें खरीद के बेच रहा है वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। कोई कार्स का शोरूम जेन में वो क्या कर रहा है? गाड़ियां खरीद के गाड़ियां बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। कोई लैपटॉप अगर आप परचेज कर रहे हैं जिस शॉप से, वो शॉप वाला क्या कर रहा है? लैपटॉप खरीद के लैपटॉप बेच रहा है। तो जो खरीद के अगर बेच रहा है, जो पर्सन चीजें खरीदते हैं, जो बिजनेसेस चीजें खरीद रहे हैं और फिर उन चीजों को एज इट इज बेच देते हैं, उन बिजनेसेस को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई गाड़ियां अगर सेम बनाए, होंडा लिमिटेड सेम बनाए, होंडा वाले क्या कर रहे होंगे? होंडा गाड़ियों वाले, वो होंडा वाले गाड़ियां बना के बेच रहे हैं। कुछ शूज जहन बनाए, कुछ शूज की फैक्ट्री, कोई शूज की फैक्ट्री वो क्या कर रही होगी? वो लेदर खरीद रही होगी, लेदर शूज अगर है तो लेदर बेच रही होगी, क्या कर रही होगी वो कंपनी? लेदर, लेदर से शूज बना रही होगी और फिर बेच रही होगी, ठीक है। इस तरह मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री को जेन बना, मोबाइल बनाने वाली भी कोई फैक्ट्री होगी ना, तो फैक्ट्री क्या कर रही होगी? मोबाइल जिन चीजों से बनता है वो चीजें खरीदती होगी, उनको संभल करती होगी और फिर मोबाइल बना के बेचती होगी। तो ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल चेयर्स बनाने वाली कंपनी, शर्ट्स बनाने वाली कंपनी, एक वो शॉप है जहाँ आप शर्ट खरीदने गए हैं, ट्राई टू विजुलाइज प्लीज, जिस शॉप पे जाकर आपने शर्ट खरीदी है उस शॉप वाले ने बनाई है? नॉर्मली वो बनाता नहीं, वो कहीं कहीं से खरीद के लाता है, वो बेचता है, तो वो कौन है? वो ट्रेडर है। लेकिन जिस फैक्ट्री में वो शर्ट बनी है, उस फैक्ट्री में शर्ट कैसे बनी हुई? कोई क्लॉथ लिया होगा उस फैक्ट्री वालों ने, उसका स्टिच किया होगा शर्ट्स में, फिर शर्ट्स बेची होंगी, ठीक है, समझ आ रही? तो जिन जगहों पे चीजें बना के बेची जाती हैं, जिन बिजनेसेस में चीजें बना के बेची जाती हैं, उन बिजनेसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और जिन बिजनेसेस में चीजें खरीद के एज इट इज बेची जाती हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो चंद हजार वर्ड्स लिखना जरा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में इनफैक्ट क्या होता है? आइटम्स,
परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ सेल. आइटम्स परचेज्ड, सॉरी, आइटम्स परचेज्ड आर सोल्ड और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से अगर मैं इसी तरह कुछ वर्ड्स लगाऊं, ये ठीक है वैसे, पर वर्ड्स मैंने बिल्कुल सिंपल से लिखे हैं, तो ऐसे डेफिनेशन को रटने वाली नहीं, सिंपल अपने कॉन्सेप्ट जरा बनाना. मैंने जो कहा उसके मुताबिक सही है मेरे वर्ड्स? देन सर अगर मैन्युफैक्चरिंग एंगल सोचे तो इसमें फिर कुछ इस तरह से वर्ड्स जरा एक्स्ट्रा आप लिखना. मैं कुछ लफ्ज आपके जहन में आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ. आइटम्स परचेस्ड, आइटम्स परचेस्ड एंड देन प्रोसेस्ड and then processed into another item. And then sold. तो चीजें खरीदी जाती हैं, उनको पहले प्रोसेस किया जाता है, किसी और चीज में कन्वर्ट किया जाता है और देन उसको. सही है मेरे लफ्ज? अजी सही है सर. शेड मैन्युफैक्चरिंग एंगल से क्या खरीद रहे हैं आप? अजी क्या खरीद रहे हैं सर? तो क्लॉथ खरीद रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं? उसको स्टिचिंग कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर उससे शेड बना रहे हैं, किसी और आइटम में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर क्या बेच रहे हैं आप? वो शेड बेच रहे हैं. तो इन बिजनेसेस में एक दो वर्ड अभी बच्चे बोल रहे थे, जरा के साथ लिखो. जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदी जाती हैं, आइटम्स परचेज्ड, इसके साथ लिखा, इन्हें कहा जाता है रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीजें खरीदी जाती हैं ताकि उनको प्रोसेस करके किसी और चीज में कन्वर्ट करके बेचा जाए, उन्हें क्या कहते हैं? और जिस दूसरी चीज में उसे कन्वर्ट करते हैं, अनदर आइटम में उसे कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेस करके, उस अनदर आइटम को कहते हैं फिनिश गुड्स. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या खरीदा जाता है? सोचे सोचे सर, नहीं मत करें. तो रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? अपने लफ्जों में सर. सर भाई पढ़ने आया घर से, आप ही को कह रहा हूँ सर. मैंने कहा याद दहानी करवा दो, बल्कि सॉरी आप ही पढ़ने आए. आइटम्स परचेज मीन्स रॉ मटेरियल क्यों खरीदा जाता है सर? ताकि क्या मैन्युफैक्चर किया जा सके, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर. ट्रेडिंग बिजनेस में क्या हुआ? ट्रेडिंग बिजनेस में क्या खरीद के बेचा जा रहा हूँ? वहां से मैं लफ्ज इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां रॉ मटेरियल से डिस्टिंग्विश करने के लिए फिर हमने फिनिश गुड्स वर्ड रखा. लेकिन अगर आप लगाना भी चाहें तो सिंपली हम ये कहेंगे बनी बनाई चीजें फिनिश गुड्स ही खरीद के फिनिश गुड्स बेचे जा रहे. तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी रॉ मटेरियल परचेज इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस. क्यों? क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग से फिनिश गुड्स बन सके. एनी कंफ्यूजन? आने दे सकती है, वो भी हो सकता है. मैं रॉ मटेरियल बना रहा हूँ, हो सकता है उसने रॉ मटेरियल बना के आगे बेचा हो. हमारे लिए वो रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइडिया हो तो चलो मैं कोशिश करता हूँ. मैंने भी एग्जांपल दी आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से कि शर्ट्स बन रही है, ठीक है. तो इन शर्ट्स को आपने बनाना है क्लॉथ से, तो इस बिजनेस में क्लॉथ विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल. ये क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब जरा क्लॉथ जहन में लाया, किसी से हमने खरीदा होगा, हम इसे रॉ मटेरियल कह रहे हैं, लेकिन क्लॉथ बेटा किस चीज से बनता है? वो थ्रेड से बनता है. फिर वो थ्रेड बनती है, थ्रेड बनता है कॉटन से. तो अगर किसी से आपने क्लॉथ खरीदा है तो हो सकता है वो क्लॉथ उसके लिए फिनिश गुड्स हो और उसने वो क्लॉथ जो है थ्रेड से बनाया, तो उस बिजनेस के एंगल से वो थ्रेड रॉ मटेरियल होगा, वो धागा रॉ मटेरियल होगा, और वो जो धागे से तो उसने बुन के सॉर्ट ऑफ क्लॉथ में कन्वर्ट किया उसकी फिनिश गुड्स, तो उसकी फिनिश गुड्स हमारे लिए रॉ मटेरियल क्यों हो जाएंगे?
हमने उसे आगे प्रोसेस करना। अब इस तरह थोड़ा सा और पीछे अगर आप चले जाएं तो ये जो धागे की बात हो रही है, ये फिर कॉटन अभी देखा, कॉटन क्रॉप, उस कॉटन से थ्रेड बनता है। तो जो थ्रेड बना रहा होगा उसके लिए वो कॉटन है रॉ मटेरियल, और वो जो धागा उसने बनाया वो फिनिश्ड हो। तो हो सकता है जिस चीज को हम अपने लिए रॉ मटेरियल कह रहे हो, वो जिससे हमने खरीदी हो, वो हो सकता है उसके लिए ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा हो, मे बी उसने भी खरीदा हो और हमने उसे खरीद लिया हो, लेकिन हो सकता है उसने भी उसे बना के बेचा हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस कि क्या उस बिजनेस ने चीजें एज इट इज खरीद के बेची हैं, या उस बिजनेस ने चीजों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके किसी और चीज से फिर बेचा। ठीक है, तो कौन सा बिजनेस ट्रेडिंग है जो चीजें खरीद रहा है बेचा? तो कॉमन एग्जाम्पल्स जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आप अक्सर ट्रेडिंग बिजनेसेस देखते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्रीज वगैरह का वर्ड अगर मैं यूज करूँ, फैक्ट्रीज जो बनाई जाती हैं उसका मकसद क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी किसी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी? क्या किसी ट्रेडिंग बिजनेस में भी सभी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी? फैक्ट्री की जरूरत सिर्फ कहाँ होगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो एक लाइन होगा और लिखो, या इस तरह भी लिखा है, नो नीड ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फैक्ट्री के अलावा मतलब क्या? नहीं, वो कंपनीज की अगर हम बात करें बिजनेसेस के एंगल से, तो वो अब जरिए अभी चीज है ना, जरात IAS 41 इंशाल्लाह FA2, तो जरात वाला बिजनेस है। फैक्ट्री इज ओनली रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गेम इज ऑन मिस्टर बै एज ऑलवेज। ये वैसे ठीक है, लेकिन इनिशियल वैसे मेरी अभी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि बहुत ज्यादा दूर दूर जाने की बजाय आस्ता आस्ता हमने पहुंच जाना। आप जहां जहां कहेंगे हमने पहुंच जाना। बल्कि मेरे इस बात से मुझे याद है कि शायद जिन हजरात ने रिसेंटली कभी इंट्रो पढ़ी है, तो जिस तरह वो अचानक ही सब कुछ आ जाता है, तो मेरा हालांकि कुछ हसरत नहीं रहेगी थी एंड तक। तो गेम स्टार्ट हो लेना था फिर इंशाल्लाह जो आप हुक्म करें। तो इनिशियली जो मैंने चंद एग्जांपल्स दिए हैं उसमें मैंने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से कौन से एग्जांपल्स दिए? कुछ शॉप्स के एग्जाम्पल्स दिए मैंने, ठीक है। इसी तरह मैनुफेक्चरिंग बिजनेस के हवाले से मैंने शूज मैनुफेक्चरिंग की बात की है, कार मैनुफेक्चरिंग की बात की है, शर्ट्स मैनुफेक्चरिंग की, मोबाइल मैनुफेक्चरिंग की। वो कॉमन एग्जाम्पल्स जो इस वक्त आपको समझना अगर आसान है, अगर काइंडली वक्ती तौर पर कुछ दिन जरा इनिशियल डिस्कशन के लिए हम वहीं रहे। बाकी बात से कॉन्सेप्ट इज क्लियर, जैसे अभी भाई ने कहा उससे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उससे पहले। तो एक दफा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह आगे चल जाए। ठीक है नहीं सर जी, अभी हम अपनी जरा डिस्कशन को इनिशियली थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस अब एक लेदर हेडिंग लेता हूँ। ये सब जब जरूरत पड़ेगी तो FA2 में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर के हवाले से। बिजनेस कोई भी हो सर, हम अकाउंटेंट्स का जो काम है उसे अगर समराइज किया जाए कि हम अकाउंटेंट्स बेसिकली करते क्या हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, हम अकाउंटेंट्स के दो मेन रोल हैं। नंबर एक, कोई भी बिजनेस अगर हो तो उसका प्रॉफिट डिटरमिन करना। किसी को पता सर? यस तो प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए हमें पता चले कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, हम एक स्टेटमेंट बना लें। ठीक है, तो डेफिनेटली दूसरा काम भी है, दैट इज टू मेजर के बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है और इक्विटी कितनी है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वगैरह। ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट में जो हमारा जो फोकस है कॉस्ट अकाउंटिंग में, हमारा मेन कंसर्न होगा कि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिफरेंट सिचुएशंस में मेजर करें। तो सबसे पहले आप यहाँ से हेडिंग लिखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये चार पांच जो स्टेटमेंट में वर्ड्स लिखे हैं मैंने, इन वर्ड्स की कोई ट्रांसलेशन कर लेना अपने जहन में। बताइए जरा सर, क्या मकसद होगा एक स्टेटमेंट बनाने लगा मैं, एक स्टेटमेंट मीन्स एक पेज बनाने लगा, उसका क्या मकसद होगा? तो डिटरमिन अ प्रॉफिट और लॉस। अब इसको समझने के लिए हम मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल आपके सामने रखनी है। तो एक कार शोरूम जरा जहन में लाए, सबके जहन में आ गया सर? अपना ही समझे, कोई नहीं, इस वक्त लाइट की जरूरत नहीं थी, अपना समझ, जरा जहनी तौर पर अपना समझ, नजर आ रहा है सर? तो इसकी लाइट की जरूरत नहीं थी, मतलब कार शोरूम अपना ही नजर आ रहा है, आंखें बंद भी करेंगे तब ज्यादा नजर आ रहा है जी। सर हमने ये देखना है कि कार शोरूम में हमने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है या लॉस में होंगे। बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली यही होता है कि हमें प्रॉफिट हो, ये बात ठीक है मेरी? आप कोई भी बिजनेस क्यों करेंगे, आपकी ख्वाहिश होगी प्रॉफिट हो, लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि आपको प्रॉफिट की बजाय अल्टीमेटली लॉस हो गया। तो जरा वैसे ही विजुलाइज करें, इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट आपकी तरफ आऊँ, कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचना है तो कार शोरूम में हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर आप बाकी शुरू कीजिएगा। हमने गाड़ियां क्यों खरीदी होंगी वहां बेचने के लिए? तो ड्यूरिंग द ईयर अगर हम, या ड्यूरिंग द पीरियड अगर हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि हमने इस साल में फॉर एग्जाम्पल कितनी गाड़ियां बेची, तो जिस प्राइस पे बेची होंगी उस प्राइस को हम कहेंगे कि हमारी सेल इनकम है। मैंने बिल्कुल सिंपल बातें करनी है ताकि हम दोबारा जहां पे खत्म हुआ था हमारे जिंदगी का सफर अकाउंटिंग का, वो दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले हमें क्या डिटरमिन कर लेना चाहिए कि जो गाड़ियां बिकी हैं वो कितने की बिकी हैं, वो गाड़ियां बेच के हम क्या कमा लेंगे, इनकम कमा लेंगे, वो हमारी इनकम है, वो हमारी सेल इनकम, वो चीजें बेच के हमारी इनकम। देन उसमें से हमें क्या करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को लेस करना चाहिए। तो चंद एक्सपेंसेस की तरह एग्जाम्पल अगर हम सोच सकें, सबसे पहले तरतीब से अगर चले, क्या गाड़ियां हमने खरीदी भी होंगी? फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी खरीदी हमने 10 लाख की थी और उसे 12 लाख का बेचा है, तो क्या हमारा 12 लाख प्रॉफिट हुआ या 2 लाख हुआ? तो गाड़ी की कॉस्ट भी तो थी, लेकिन क्या उस शोरूम में फिर कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे? मसलन फॉर एग्जाम्पल शोरूम हो सकता है हमने रेंट पे लिया हो, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल, शोरूम में कुछ एम्प्लॉइज, उनकी कुछ सैलरीज होंगी, कुछ शोरूम में बिल के खर्चे होंगे, ठीक है, कोई मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे होंगे। तो अगर ये सारे खर्चे हम एक पेज पे लिस्ट डाउन कर लें तो स्टेटमेंट का नाम क्या बन जाएगा? और अगर इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट निकल आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो लॉस निकल आएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सिर्फ दो ही चीजें होनी चाहिए, नंबर एक इनकम और नंबर दो एक्सपेंसेस, दो ही चीजें होनी चाहिए जिनके रिजल्ट में प्रॉफिट कब आ जाएगा, अगर इनकम ज्यादा होगी, और लॉस कब आ जाएगा अगर खुदा ना खास्ता एक्सपेंसेस ज्यादा होगा। इसका फॉर्मेट जरा काइंडली मैं भी बनाता हूँ, आप भी जरा शुरू करें। सबसे क्या पहले क्या लिखा जाता है? सेल्स। सेल्स का मतलब होता है, सेल्स का मतलब क्या होता है? इनकम, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ना सही जरा क्लियर रखने हैं आपने। सेल इनकम भी है, ठीक है, सब कुछ भी है, लेकिन सेल्स का मीनिंग होता है सेल, वो तो ऑल्टरनेट वर्ड है, सेल्स रेवेन्यू भी है, ठीक है, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है कि आप जरूर अपने जहन में रखें, वो तो रेवेन्यू या सेल ऑल्टरनेटिवली वर्ड्स यूज होते हैं। प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं है, सेल का ऑल्टरनेट लफ्स एक रेवेन्यू भी है, और इसी को इनकम भी कहते हैं। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश आप कह रहे हैं कि आपको सेल्स के वर्ड का मीनिंग पता हो, ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, ये लिखे जरा कहीं ब्रैकेट में, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। गुड्स आइटम्स हो, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि फर्स्ट करें आपने 100 कार सेल की, 100 कार सोल्ड, डिफरेंट मॉडल्स फॉर एग्जांपल, लेकिन फॉर द मेक फॉर पर्पज ऑफ सिंपलिसिटी फॉर द टाइम बीइंग, तो 100 कार्स आपने बेची और लेट्स अस्सुम हर गाड़ी को आपने एट द रेट ऑफ 20 लाख ईच बेचा,
डेफिनेटली डिफरेंट मॉडल्स होंगे तो हम डिफरेंट मॉडल्स की कार्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट मॉडल्स की सेल प्राइस कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात फिलहाल सिंपल रखने के लिए, ये व्हाट इज 100, ये क्या क्या है, ये गाड़ी हमने बेची और व्हाट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन 20 लाख की सेलिंग प्राइस पर कार, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप करेंगे तो जो चीज आएगी वो तो फिगर हम लिख लेते हैं अभी, उसका मीनिंग क्या होगा। तो मैंने ब्रैकेट में लिखना चाहा कि जो गाड़ियां आपने बेची, जो आइटम्स आपने बेची हैं, ये उनकी सेल प्राइस है, तो उनको बेच के जो आपने कमाया है दैट इज सेल। ठीक है, कैलकुलेटर है इस वक्त, अगर आज नहीं भी है तो कल कर, कल से जरूर हो, जिनके पास है जरा सॉल्व करें, और ये मोबाइल्स के बस की बात नहीं है, ये कैलकुलेशंस वगैरह काइंडली प्लीज एक मासूम सा कैलकुलेटर, वही वाला ले आइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ नहीं होता, वो बचपन से जो यूज हो रहा है, लेकिन वो अब हमारा इंतजार कर रहा है कि उसको दोबारा उठा लिया जाए। जी सर जी, जी सर जी, जी सर जी, तो आंसर बता दें, 200 लगाएंगे, जरा कॉमा फिगर्स पूरी करो, जी रुपीज एंड थाउजेंड्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल बच्चे बनकर जरा बहस कर रहे हैं। वैसे आइडियली अगर वो साहिबान जिनके लिए मैं जरा ज्यादा कॉन्शियस हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मैं किन हजरात के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हूँ, बाकी सब तो इंशाल्लाह रीजनेबली कॉन्शियस हूँ, कि जो AFC के बाद जिन्होंने गेम शुरू की है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों की अगर सीट्स में कहीं अपने सामने अलग बनवा लूँ तो जरा बच्चों का हक ज़्यादा बनता है। ठीक है बस, एंड साथ नहीं आप तो नहीं, आप माशाल्लाह बच्चे हैं तेज़ है। कौन कौन से जरा AFC वाले हजरात हैं जो AFC बाद विदाउट एनी काउंटिंग इस वक्त मेरे साथ है, तो आपने बेटा कल से आना है 7:45 पे, नहीं हाथ दोबारा ऊपर रखा है, और आपने मेरे पास इधर आके बैठा, मैं खुद बताऊंगा आपने कहाँ बैठा, ताकि आपके ज़रा स्पेसिफिक सवाल अगर हों तो फिर मुझे ज़रा आसानी रहेगा। फिलहाल क्लियर है जो बात हो रही है? ठीक है सर, तो पहला काम क्या होता है, हम अकाउंटेंट्स का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हुए, काइंडली ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे हमारे ही इंशाल्लाह, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई इशू नहीं। हम अकाउंटेंट्स का पहला काम क्या है कि सर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस तक पहुंचने के लिए क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल की अमाउंट निकालते हैं, और सेल की अमाउंट कैसे निकलती है, जो चीजें आपने बेची हैं उनकी क्वांटिटी ले लें और मल्टीप्लाई सेल प्राइस पर यूनिट या पर आइटम मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद अगला वर्ड लिखे। ये सेकेंडली क्या होता है ना सर, उससे रिटर्न्स अगर हो, लेट्स नेट सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन का आपका यकीन डाटा लगा हुआ है सबका, लेकिन जो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है वो ब्रैकेट में लिखे, बाकी कैलकुलेशंस वाला की बात कर लेते हैं। सेल्स का मतलब जो भी मैंने कहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके जरा सोचें, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, मेक द थिंग्स काइंडली सिंपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ही के साथ ये देखिए ब्रैकेट में कहीं लिखे, इसी को एक बच्चा बता रहा है, सबको आइडिया होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स का सिंपली मतलब होता है आइटम्स चीजें, इन लोगों को नहीं पता होगा जरूर लिखते रहेगा, आप लोगों के लिए जरा ज्यादा कॉन्शियस की बात करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सिंपली एन अल्टरनेट वर्ड फॉर, बोले बोले प्लीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द आइटम सोल्ड, मसलन इसी को जरा ऊपर से अगर मैं रिलेट करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी गाड़ियों की कॉस्ट आनी चाहिए, जो गाड़ियां बेची हैं अब उन्हीं की कॉस्ट, ऊपर 20 लाख क्या था उनकी सेल प्राइस, तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस सेम होती है, कॉस्ट में क्या प्लस करके सेल प्राइस बनती है, प्रॉफिट ऐड किया जाता है। ठीक है सर, तो लेट्स अज्यूम ये जो 100 कार सोल्ड थी, इनमें से हर कार हमने एट द रेट ऑफ सपोज 17 लाख ईच खरीदी, जी सर आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, जरा एक दो दिन मैंने जरा सारी पुरानी बातें पहले रिफ्रेश करनी है, तभी इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैलेंज एक्सेप्ट करने में आसानी होगी।
इसको काइंडली सीरियसली लीजिएगा, और शायद मैं बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कर रहा हूँ जो उस तरह से आपको शायद जहन में ना हो जिस तरह से होनी चाहिए। जी सर, आंसर अगर बता दें 170 हो जाएगा शायद। जी सर, सर सोल्ड नहीं है सर, सर पढ़ पढ़ ये गेम है ना, वही कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड है ये, यहाँ से यहाँ तक जरा, बल्कि सॉरी मैंने ब्रैकेट वगैरह क्लोज कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स से मैंने ब्रैकेट में मीनिंग क्या लिखा, पहली ब्रैकेट में ये वाला ऊपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, तो जो चीजें हमने बेची हैं उन्हीं की कॉस्ट। अगर मैंने ये देखना है कि 100 गाड़ियां बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो मुझे क्या करना चाहिए, 100 कार्स की सेल प्राइस, और बेटा 100 कार्स ही की कॉस्ट प्राइस लेस करनी चाहिए, जो गाड़ियां बेची हैं उन्हीं की कॉस्ट होगा ना। फर्ज करें, कंसल्टेशन सुना रहा, आपने खरीदी थी 120 कार्स, लेकिन सेल हुई है 100 कार्स, तो कितनी गाड़ियां बेच के आपको प्रॉफिट होगा, जो बेचेंगे उस पे प्रॉफिट होगा या जो खरीदी होंगी उस पे प्रॉफिट होगा, जो बेचेंगे उस पे होगा। सपोज आपने 120 कार्स खरीदी और कोई भी नहीं बिकी, तो अभी प्रॉफिट वाली बात तो उस पर नहीं है, बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो सपोज अगर 120 में से 100 कार्स बिकी हैं, तो 100 कार्स ही की सेल प्राइस में, और उसमें से 100 कार्स ही की कॉस्ट प्राइस है। इसलिए लफ इसलिए हेडिंग क्या रखी है हमने, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक वर्ड हो सकता है कॉस्ट ऑफ परचेज, लेकिन वर्ड हमारा यहाँ क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्यों, जो बेची हैं उन पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। इसलिए ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रैकेट में कॉमन क्या है, 100 कार्स 100 कार्स, लेकिन डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 20 लाख मींस सेल प्राइस पर कार, और नीचे 17 लाख कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस ही आपकी कॉस्ट होती है। मेक द थिंग सिंपल जरा, 1 सेकेंड। आपने मोबाइल खरीदा 25,000 का, लेट्स सी, बेचने के लिए ये 25,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस, सही, इसी को परचेज प्राइस मैं कह सकता हूँ। अब सपोज इसे हमने 30,000 पे बेचा है, तो अब इसका प्रॉफिट कैसे निकलना चाहिए, इस मोबाइल की सेल प्राइस और इसी मोबाइल की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमने 5 मोबाइल खरीदे थे लेकिन बिके 3 है, तो क्या करना चाहिए, 3 मोबाइल्स की सेल प्राइस शुड बी कंपेयर्ड विद द 3 मोबाइल्स की कॉस्ट प्राइस। आप बेटा क्लियर। यस जी सर, जब इन दोनों में डिफरेंस ले लिया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट करें जरा सारे डिफरेंस, सर। जब भी कभी पैसों का हिसाब रखें, हमेशा पैसे अपने ही समझें, अपने ही समझ के डिफरेंस लें। इसमें से क्या माइनस किया, काइंडली सब वर्ड्स बोले, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब फाइनली वो वर्ड सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अकाउंटिंग में बड़े जब फिगर्स ऊपर नीचे लिखी होती हैं, मतलब जिस तरह मैंने 200 मिलियन लिखा और नीचे 170 मिलियन लिखा, और इसका फिर डिफरेंस लिया, तो इसका तरीका ये होता है कि एक ब्रैकेट यूज की जाती है, स्पेशली वो लोग जो जरा फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग देखते हैं। तो ब्रैकेट किस पे लगाई जाती है, जिसको माइनस कर, तो ब्रैकेट इज सिंपली इंडिकेशन फॉर कि हम इसे माइनस करना चाह रहे हैं, तो सेल में से क्या माइनस करना चाह रहे हैं, और देन जो डिफरेंस आता है इसको फिर एक अकाउंटिंग में नाम दिया रहता है ग्रॉस। बाकी इसकी कैलकुलेशंस भी हैं, उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह दोबारा उसको बहस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जो लोग क्लियर नहीं है काइंडली इधर इस 20 लाख के साथ ऊपर आए, इधर सेलिंग प्राइस पर कार एक्सप्लेन करते रहे, बिकॉज जगह बना लें, इस बाद में आराम एक साफ सुथरा फॉर्मेट बाद में कर लेंगे, कुछ मैं चीजें जो समझाना चाह रहा हूँ साथ नोट कर लें। और ये जो 17 लाख मैंने नीचे ज़ूम किया है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस पर कार, ये ठीक है जी, सही है कॉस्ट। ये डेफिनेटली बड़ा क्लास की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि
रिकॉर्डिंग शुड नॉट बी द फर्स्ट प्रेफरेंस जी हमेशा सर डेफिनेटली परचेज हुई होंगी तो बेची होंगी सर बिजनेस कर रहे हैं सर तो जादू तो बेटा है नहीं देन सर जी उसके बाद जी सर शहजाद साहब ये जो भी है इसी को एज इट इज एक्सेप्ट करना सर अगर हम इस चक्कर में पड़ गए ये जुल्म है ये वो है ये वो है आई कैप ये है वो है तो इस पे सारा दिन बहस तो हो सकती है लेकिन फायदा कोई नहीं तो अब बहस किस चीज पे होनी चाहिए जो चीजें हमारे कंट्रोल में और हमारे चीजें प्लीज शहजाद साहब क्या कंट्रोल में कि हम अपने आप को अकॉर्डिंगली मोल्ड करें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ठीक है सर ठीक है सर ये सर जी अब फिगर्स कैंडी जरा सही पूरी करें मैंने 17 लैख जो लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 100 होके 170 मिलियन हो रहा है तो 3 लाख हर गाड़ी पे प्रॉफिट हुआ और 3 लाख इंटू 100 टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 30 मिलियन ओके जी आप लोग क्लियर है सर मेरे सामने देन सर उसके बाद मैंने आपके सामने चंद एग्जाम्पल्स और बोली थी कि अगर कार शोरूम हो तो हमारे गाड़ियों के खरीदने के अलावा भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या बातें होंगी तो उन एक्सपेंसेस को भी जब हम लेस कर देंगे तो देन फिर हमारे पास फाइनली नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा लेकिन उस पे आने से पहले एक जरा बीच में आपको एक और चीज जरा इंट्रोड्यूस करवा दूं जिन लोगों का पहले आइडिया नहीं है एक्स्ट्रा वर्ड लिखे अदर इनकम और अदर इनकम को भी जरा काइंडली एक्सप्लेन करो अदर इनकम मींस एनी इनकम अदर देन सेल इनकम आपका जो बिजनेस है अगर गाड़ियां बेचना बिजनेस है तो गाड़ियों को बेचने के अलावा जो भी कोई इनकम होगी एग्जांपल मैं देता हूँ तो, वो अदर इनकम कहलाएगी अगर आपका मोबाइल्स बेचने का बिजनेस है तो अदर इनकम किसे कहेंगे बोलने जरा सेंटेंस मोबाइल्स बेचने के अलावा जो भी कोई इनकम होगी ठीक है अगर फर्नीचर बेचने का बिजनेस है पूरा सेंटेंस बोले जो मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों फर्नीचर बेचने के अलावा कोई भी इनकम अगर होगी तो वो अदर इनकम कहलाती है तो प्रिंसिपली स्पीकिंग व्हाट इज अदर इनकम एनी इनकम अदर देन द सेल इनकम अब फॉर एग्जांपल कार शोरूम है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स थे कुछ गाड़ियां बेच के पैसे आए थे और उसे आपने टेम्परेरी तौर पे किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो ये इंटरेस्ट अब क्या है ये आपकी मेन इनकम नहीं है ये आपकी अदर इनकम है फॉर एग्जाम्पल कोई कमीशन एजेंट हो को कमीशन इनकम हो जाए कोई डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो इस तरह की जो भी इनकम्स होंगी बाकी इंशाल्लाह एग्जांपल्स में मैं ऐसा और भी आता हूँ बाद में अगर आपकी अपनी बिल्डिंग थी उसी में शोरूम बनाया हुआ था लेकिन उसी का कोई पोर्शन आपने रेंट पे दे दिए तो ये रेंट क्या कहलाएगा लेकिन अगर कोई प्लाजा है और उस प्लाजे को तो बनाने वाले ने ऑब्जेक्टिव ये बनाया था कि इस प्लाजे को रेंट पे देना है तो फिर उस रेंट को हम अदर इनकम नहीं कहेंगे ये रेंट अदर इनकम कब बनेगा जब ये हमारा नॉर्मल बिजनेस के अलावा कोई इनकम ठीक है तो चंद एग्जांपल्स अगर ब्रैकेट में लिखना है वैसे लिखना इस बिजनेस में भी हम रहने देंगे जस्ट फॉर एग्जांपल रेंट इनकम कमीशन इनकम डिस्काउंट रिसीव अभी मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिनका आप लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल टेंशन नहीं आपने लेनी जिनको आइडिया नहीं है इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में पता चलने लगे एक्सेट्रा प्रिंसिपली स्पीकिंग एनी इनकम अदर देन द नॉर्मल बिजनेस सेल इनकम अगर ये इनकम हो तो आप ये बताएं फाइनली आप सोचें कि अगर ये इनकम हो तो इसे ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस होना चाहिए माइनस ये भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएगी तो मैं इसे अगर फिगर अज्यूम नहीं कर रहा फिगर अज्यूम ना करने के बाद एक डैश लगा और फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी देखते हैं उसके बाद फिर लेस किया जाता है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हेडिंग लेते हैं डेफिनेटली फिर वो एडमिन सेलिंग वगैरह जिन्हें एक वर्ड याद है वो इंशाल्लाह लगाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक हेडिंग बना के उसके नीचे चंद एग्जांपल्स देते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरीज बस 3-4 चीज से ज्यादा सैलरीज यूटिलिटी बिल्स का बड़ा मीनिंग होता है पता बोले इलेक्ट्रिसिटी
वाटर गैस वगैरह के बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस, कोई आसान आसान रहा दे, रिपेयर मेंटेनेंस अगर कोई भी है बिल्डिंग में तो मेंटेनेंस डिस्काउंट अलाउड हुई है, और बहुत सी और है सर, आप बोलिए। इसका मतलब हालात में वही तो नहीं, मैं ऐसे डिस्काउंट अलाउ, ठीक है सर। फिर समटाइम्स अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हो, अगर कोई बैंक से लोन लिया हो तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा एक्सपेंस होगा या इनकम होगी, वो फिर हमारा एक्सपेंस होगा, उसको अकाउंटिंग में बोला जाता है फाइनेंशियल चार्जेस। तो जरा ये वाला वर्ड लिख लें, साथ में ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखे, उसके फिर अलग हेडिंग्स वगैरह भी होती हैं, हेडिंग्स में चला जाएगा जी। ठीक है बेटा, आप लोग जो वर्ड बोल रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस मीन्स इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस बैंक से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, बैंकों से रिलेटेड अगर लोन लिया हो। फाइनेंशियल चार्जेस सिंपली मीन्स इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इन सब की इंडिविजुअल फिगर्स लिखने की बजाय, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने इंडिविजुअल फिगर्स लिखने की बजाय एक कलेक्टिव फिगर अगर लिख दूँ तो समझ आ जाएगा प्लीज। तो फॉर एग्जांपल ये सारी हमारी फिगर्स हैं, टोटल हमारा एक्सपेंस 18 मिलियन, कंप्लीट करने पड़ेगा। बाकी जब आप जो बोल रहे हैं मैंने भी इस पे आना, लेकिन जरा कुछ बच्चे आज जरा हमारे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें भी महसूस हो कि वो भी हम हमारे साथ साथ हैं। एनी कंफ्यूजन सर कहीं, सब क्लियर है सर? देन सर ये जब यहाँ तक काम हो जाता है, जरा एक सेकंड हम जरा फॉर्मेट बोल लें, क्या क्या लिखा है हमने और कहाँ तक पहुंच गए। स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिक्स, बोलिएगा कहीं सेल में से क्या लेस होता है, फिर क्या कैलकुलेट हो जाता है, फिर क्या ऐड हो जाता है अगर हो तो, और फिर क्या लेस हो जाता है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो अब मैंने क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं इसलिए फिर मैं 18 मिलियन पे ब्रैकेट लगा दूं। ये डेफिनेटली बेटर, बैंक सर्विस चार्जेस फाइनेंशियल चार्जेस वो नहीं है। तो 30 मिलियन में से अगर 18 मिलियन हम लेस कर दें तो फिर हमारे पास जो 12 मिलियन पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, 30 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट है, 18 मिलियन एक्सपेंसेस है, क्या कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको क्या कहते हैं फिर नेट प्रॉफिट। एनी कंफ्यूजन सर? लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 30 मिलियन से बेटा ज्यादा हो जाते हैं, ये 32 मिलियन हो जाता है, तो फिर पॉजिटिव फिगर की बजाय नेगेटिव फिगर इज नेट लॉस बन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। अभी इस केस में प्रॉफिट है, और अगर अभी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो फिर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। चलो बेटा, इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैंने अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ जाना, तो मेरा ख्याल है कि आज शायद कुछ ये ज्यादा ना आप लोगों के लिए हो रहा है, जो पुराने बच्चे हैं उनसे बात नहीं कर रहा। आप लोग यकीनन बोर जरूर हुए हैं, लेकिन 2 या 3 दिन रिक्वायर्ड है, लेकिन आप जो इंट्रो वाले भी हैं उन्होंने भी पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं सुना हुआ, तो इंशाल्लाह कल से मेरा ख्याल है आज कितना काफी शायद टाइम वैसे हमारा है कितने बजे तक, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात कितने बजे है, तो बाकी कल से इंशाल्लाह, ठीक है। तो बुक्स की टेंशन नहीं लेनी है आपने, जो मैंने शुरू में बातें की हैं, बुक्स आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन है। आपसे रिक्वायर्ड सिर्फ ये है कि आप चंद दिनों में अपनी रूटीन जरा सेट करें और डेली बेसिस पे टाइम पे आने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग, इंशाल्लाह कल भी मुलाकात हो, अल्लाह। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका बड़ा जो जो क्वेश्चन भी रेलिवेंट है आप बेफिक्र हैं, वो तो सब में उछाला हो जाएगा। आपको ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं, मैं आपको सबको एक मैसेज करवा देता हूँ, ये जरा आप अभी एक ग्रुप में जरा मैसेज कर दें, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड नहीं है वो बच्चे जरा उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। ये
इस चैट में अभी आपको मैसेज हो जाएगा, आप लोग अभी क्लास ऑफ ना कीजिएगा, जस्ट अ मिनट, आपको भी एक नंबर में सेंड कर रहा हूँ, तो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो जरा काइंडली इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा जी। सबको बेटा बुक्स मिलेंगी, चाहे वो ऑनलाइन या फिजिकल। जी 9:30 तक बेटा क्लास है, रिकॉर्डिंग बेटा इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे मिलेगी, आप उसकी टेंशन ना लें। ये बिल्कुल बड़ा लिया, आपकी बात गलत है, ये क्लास 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की इंशाल्लाह होनी चाहिए। ये व्यक्ति तौर पे आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, लेकिन आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे इंशाल्लाह मैं वो कोरियर भी करूंगा। ये कदी मसला ये बेटा इंशाल्लाह वो कंपनी की दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग का बड़ा पार्ट है, तो हम कुछ कॉस्ट में और कुछ नॉर्मल क्लास में इंशाल्लाह ये चीजें सारी फाइनल करेंगे। ठीक है, करते ओके, अल्लाह हाफिज। जी बहन आगे साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूरी है या दूसरा चल जाएगा? जो कैलकुलेटर आपके पास है ये कौन सा? दूसरा चल सर, मेरा तो गुम हो गया था ना। नहीं नहीं, कौन सा कैलकुलेटर? साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाना है, कैलकुलेटर ये चलते हैं।